स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। चलिए जी, खुशखबरी है, कनिष्ठ सहाय का विज्ञापन सबसे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी होगा। कब तक जारी होगा वो भी बताएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, सबसे पहले बात हुई कि 500 पद आपको कनिष्ठ सहायक में देखने को मिलेंगे, बाद में हुए 400 पद देखने को मिलेंगे, फिर एक RTI के तहत सूचना मांगी गई तो उसमें 192 हुए, फिर बाद में 210 हो गए, फिर बाद में वही 192 हो गए, अब जो है नई एक सूचना आई है। चलिए पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कितने पद हैं और कब तक आ रही है, चलिए पूरी खबर आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये जो सूचना के अधिकार के तहत सूचना ली गई थी उसमें आप देख सकते हैं, ये पिछली जो है जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने भेजी थी, जिसमें से थोड़े बहुत ही पदों में इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन आपकी उम्मीद से भी जो है ज़्यादा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करें बिल्कुल वह रहने वाले इंटरमीडिएट, और कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग भी होगी इसमें, जहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों करनी पड़ेगी। 4000 की डिप्रिसिएशन, हाँ कुछ कैंडिडेट्स पिछले बार बोल रहे थे क्या CCC का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है, हालांकि इसमें नहीं मांगा है, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं तो CCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, हर हालत में CCC आप कर लीजिए। अभी तक आपने CCC नहीं किया है तो आप CCC ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछली जो लेटेस्ट सूचना मांगी गई थी उसमें 192 पद थे कनिष्ठ सहायक के। ठीक जी, खुशखबरी है, अब जो है आपके पद बढ़कर 396 हो गए हैं। जी हाँ, कनिष्ठ सहायक के अब जो है 396 यानी कि 396 पदों पर भर्ती आएगी। तो जम के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अब, ठीक है, ये इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह तक ये भर्ती विज्ञापन आपको हर हाल में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियोज़ में बताया है कि 2 सितंबर को आयोग की एक मीटिंग हुई है, जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 2000 पद हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर 600 पद हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपके सिंचाई विभाग के अंतर्गत भी 1000 से ज़्यादा पद है। तो इनके पदों को भी त्वरित तरीके से जो है आयोग ने कहा है कि अपने डिपार्टमेंट को आप जल्दी से काम पे लगाइए और जल्दी संशोधन करके, जिसमें 10% आरक्षण का भी रूल लगा के नया रोस्टर तयार करके वापस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजिए, जिससे जल्द से जल्द नई भर्तियाँ आयोग निकाल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और निकल के सामने आई है कि जितनी भी अधियाचन आयोग के पास पहुँचे हैं उसमें कनिष्ठ सहायक ही एक ऐसा जो अधियाचन है बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही अधियाचन के विज्ञापन आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, 396 पदों के लिए आपको मैंने पहले भी कहा था 500 से 400, 400 से 192, 192 से 210, फिर 192, अब आपके 396 पे आकर ये भर्ती अटक गई, यानी कि जो सीधे 500 से स्टार्ट हुई थी वो आपके 396 पे आकर ये भर्ती अटक गई। यार 396 आ रही है, ये भी बहुत है, आप जाए और उम्मीद है कि अगले सप्ताह आपको ये देखने को मिलेगा। इसी वजह से आपका कैलेंडर भी जो है रुका हुआ है। आई थिंक कैलेंडर जब तक सभी भर्तियां क्लियर होकर आयोग के पास नहीं आ जाती हैं तब तक आपको कैलेंडर नहीं देखने को मिल सकता है। बाकी इंजॉय करिए,
तैयारी ज़रूर करिए, और सबसे पहले टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से कर दीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो टाइपिंग की प्रैक्टिस तब करते हैं जब सिलेक्शन में उनका हो जाता है, मतलब रिटर्न हो जाता है। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करिए, और ट्रिपल सी अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। ट्रिपल सी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम अभी आपके आएंगे, भी वीडियो वगैरह के, वो भी स्नातक स्तर के आएंगे जिनमें ट्रिपल सी मांगेगा। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।